हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुजाता का पावर मैटिक प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू। जी आप देख लीजिए, मैंने ऑनलाइन लिया था अमेजोन से। इसको 2 ईयर हो चुके हैं इसको यूज़ करके, फिर इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं। बाकी की तरह ऐसे नहीं कि मैंने अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हाँ कि बहुत अच्छा ले लो, ऐसा नहीं। मेरी चैनल पे आपको वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मैं यूज़ करता हूँ, वो वाले नहीं मिलेंगे। अनबॉक्सिंग किया अभी, बहुत अच्छा है, यूज़ किया भी नहीं तो आपको क्या पता कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ कि बस रिव्यू के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आज हम जो मैं यूज़ करता हूँ, आप मेरी जार देख लेना, बिल्कुल न्यू नहीं दिखेंगे जैसे होते हैं न्यू। हम इसकी बात कर लेंगे सुजाता पावर मैटिक प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर। 900 वाट की मोटर है इसकी, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले आपके सामने मैं प्रोडक्ट लेकर आता हूँ। गैस आपने बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स में मुझे आया था, ठीक है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये भी आधा मिट चुका है। और ये इसकी मशीन है जो 900 वाट मोटर की मशीन है, ये ऑफ हो गया, लो मीडियम हाई। बाकी मशीनों में होता है कि आपको फीडबैक आना पड़ेगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पर ही आप सीधा आ सकते हो। ये एक चीज़ बहुत ही बेनिफिट इन्होंने ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आप 90 मिनट तक इसको लगातार चला सकते हो, मोटर को कुछ नहीं होगा। इतनी घर में कोई भी नहीं चलाता और इतनी तो चलती भी नहीं है वैसे भी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये वाली मशीन जो या है ना, ये वाला पार्ट्स हैवी है, ऐसा नहीं कि नहीं हैवी। और इसकी वायर भी काफ़ी मतलब लॉन्ग दी हुई, अच्छी दी हुई है। और ये विप का बटन दिया हुआ है, हमें थोड़ा सा विप करना है, ऐसे प्रेस किया घूमेगा चलेगा। ये गाइस मैंने जूसर मिक्सर ग्राइंडर मंगवाया था, जिसके साथ ये दो मुझे जार आए थे, ये जार आया था और एक ये आया था। पांचों आपको मैं जूसर सेट करके वो भी दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। वो इसमें प्लास्टिक जो यूज़ किया हुआ है, बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ है, ऐसा नहीं कि जल्दी टूट टूट जाएगा, ये अनब्रेकेबल है। इन्होंने इसका दिया हुआ है 1500 ml का, 1.5 लीटर का जा रहा है। इसमें आप मैंगो शेक, बनाना शेक हो गया, आराम से बना सकते हो, बनता है बहुत ही बढ़िया बनता है। और आप इसमें आइस के साथ कर सकते हो। अगर आपने जैसे इसको अटैच यहाँ पर करते हो, ये लॉक दिए हुए हैं एक और दो, और यहाँ से मशीन की हवा निकलती है कि गर्म ना हो मशीन, ठीक है जी। और नीचे इन्होंने रबड़ को यहाँ से लॉक हो गया। और जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कोई बताते नहीं है, इसमें आप बनाना शेक या मैंगो शेक बना रहे हो, आइस बीच में डाल दिया आपने, पहले ये विप को एक दो बार ऐसे करें, एकदम ज़्यादा मैं तो ऐसे करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ भी मैं सीधा ही यहाँ से ऑन कर दूँगा तो फास्ट घूमेगा, बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बस। अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने अच्छा तो दिया ही हुआ है, मजबूत दिया हुआ है, अनब्रेकेबल दिया हुआ है प्लास्टिक ये, ठीक है ना। फिर भी हम ये इसलिए ऐसे यूज़ करें कि हाँ भी हर एक चीज़ का कि ये लॉन्ग टर्म चले, ठीक है जी। इसको पहले आप विप कीजिए, थोड़ा सा ग्राइंडर हुआ, वो आइस थोड़ी सी श्रंक होगी, तो फिर मतलब आप इसको ऑन करिए, आइस भी आराम से मिक्स हो जाएगी और आपको भी डर नहीं रहेगा कि हाँ भी टूट ना जाए, खराब
ख़राब ना हो जाए, इसलिए अगर इस चीज़ का बटन का दिया ही है विप के लिए तो यूज़ करें। मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर सुजाता ने अपना नाम दिया हुआ, ब्रांड का सुजाता लिखा हुआ है, और यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। और इसका ध्यान रखना है, ये मेरा लॉक ये वाले टूट गए हैं। ये कैसे टूटे हैं कि बटनों जैसे मारते हैं, घर वालों अपनों को बताना, या लेडीज़ देख रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि हाँ भी इसको धोकर आप रखते हो, इसके ऊपर ऊपर ऐसे मत कर देना कि बर्तन रखते हो और यहाँ से लॉक फंस गया है कहीं बर्तन के साथ, नीचे पकड़ते पर टूट गया है, या इसको ऐसे ऐसे ज़्यादा ही लॉक मत करना, ठीक है जी। ये चीज़ का ध्यान रखना। और ये आ गया जूस बनाने के लिए, जो ब्लेंडर जा रहा है। अब आएगा ग्राइंडर जार, जो हमारा यूज़ होता है, जो मसाले बनाने के लिए यूज़ होता है। ये भी इन्होंने दिया हुआ है, ये इन्होंने स्टीनलेस स्टील जार दिया हुआ है। और मैंने जो सोचा था अभी यही 2 जार जूस होंगे, घर वालों ने बोला था अभी ठीक है हो जाएंगे। आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप मिक्सर जब भी लेंगे, जूस मिक्सर ग्राइंडर सुजाता का ही लेना, और जूस वाला साथ में ही लेना, कि जूस मिक्सर ग्राइंडर मत लेना, क्योंकि जूस वाला भी सही रहता है, प्राइस थोड़ा सा ही पड़ता है। तो और ये 3 जार वाला ही लेना, क्योंकि ये पड़ता ही पड़ता है, जूस है। और ये आ गया आपकी चटनी बनाने के लिए, चटनी जार आ गया, ये छोटा सा है लेकिन बहुत ही अच्छी चटनी बनाता है। ये मैंने अलग से मंगवाया था, इसके साथ नहीं था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर लेना। तो आप अपने घर के लिए मंगवाना चाह रहे हैं, आपको नीचे मैं दोनों के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, जो 3 जार वाला और ये 2 जार वाला जो मैंने लिया है, ठीक है जी। जो आपको लेना हो आप ले सकते हैं, लेकिन जो सजेस्ट मैं यही करूँगा, आप 3 जार वाला और प्लस जूसर लेना, जूसर मिक्सर ग्राइंडर लेना, ठीक है जी। मिक्सर ग्राइंडर मत लेना, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर का काम तुझे कर देंगे, और जूस कभी कभी घर में बनता है, बनाओगे फ्रेश जूस, अच्छा जूस आपको मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा बाहर से। और आपको लगता है कि हाँ भी ये अच्छा है कि नहीं है, आप मेरी वीडियो देख कर भी सोच रहे होंगे। अगर आपको ऐसा है, आप कमर्शियल ये बहुत ही यूज़ होता है, कहीं से भी आप जूस पीते हो और आपके आसपास कोई जूस वाला है, जाकर आप देखें, वो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं कंपनी का, सुजाता कंपनी का यही जूसर यूज़ करते हैं, और वो लगातार चला के रखते हैं, जैसे काफ़ी, जैसे वो खोलते हैं शॉप और बंद करने टाइम तक ये चला के रखते हैं। आप कंपनी का उनको उनसे भी एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, वो रोज़ चला रहा है, रोज़ यूज़ कर रहा है, उसका कितना अच्छा चल रहा है। तो घर में मैंने 2 साल इसको यूज़ करके, 2 साल हो चुके हैं, तब मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा है ये। वन टाइम इसमें आपने खर्च करने हैं पैसे, और लॉन्ग टाइम ये चलेगा, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। बड़े जार जूस किए हैं हमने, एक तो मैंने नया लेकर आया था इससे पहले, भाई साहब उसमें तो बनाना शेक भी नहीं बनाया, बनाना के कट कट वहीं पर पड़े रहे थे, इतना बेकार महंगा लगा था। मिडिल क्लास को लगेगा भाई, लगेगा, क्योंकि मुझे भी लगा था कि हाँ भी बाकी जूसर के जैसे ना निकला है, बाकी मिक्सर ग्राइंडर की तरह ना निकला है, कि हमारे इतने पैसे लगे हैं तो बहुत अच्छा कर कहते हैं लोग, तो ऐसा ना हो कि हाँ भी बेकार हो जाए। मुझे भी सजेस्ट किया था किसी ने, हाँ भी भाई साहब पहले ये आप नहीं, आपको यकीन, आप किसी जूस वाली दुकान में जाएं जहाँ पर जूस पीते हैं, वहाँ पर उसका देखें कि कौन सा उसने जूस रखा हुआ है। मैंने भी देखा यार, सुजाता सुजाता 2-3 जगह देखा, सुजाता सही है, नहीं यकीन होता कितने पैसे खर्च करने हैं तो चीज़ सही होगी। तो ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, लॉन्ग टर्म चलेगा ये कह रहा हूँ मैं, मेरा भी 2 साल हो गए
अभी तक चल रहा है। और आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जो चटनी जार से मैंने दालचीनी होती है ना, दालचीनी दालचीनी पीसी है जो चाय में हम डालकर पीते हैं। ये देखो दालचीनी इतनी लंबी लंबी आती है, उसको सीधा ही डालो, ऐसे पाउडर तैयार हो जाएगा। कितनी कितनी अच्छी हो, बहुत ही थोड़े समय में इसको, मतलब इतना ज़्यादा देर भी नहीं चलाना पड़ता। हाँ यार, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये 3-4 राउंड में ऐसे मिनटों मिनट कर देगा आपको, ऐसे पाउडर बना देगा। बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हो। अब मैं आपको एक एक पार्ट दिखा रहा हूँ जूसर का। ये पहले मैं दिखा रहा हूँ कटर, स्पिनर और फिल्टर। यहाँ से ये कट करेगा। एप्पल जूस मैंने बना के पहले बनाया है, उसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको, वो भी बनाया है मैंने, इस बीच में ऐड कर दूंगा। तो बनाकर फिर मैं कर रहा हूँ। ये आ गया आपका कटर, स्पिनर स्पिनर कर देगा, और फिल्टर, ये आ गए आपके फिल्टर, यही फिल्टर है। और इसका भी ध्यान रखें, धोते समय यहाँ पर ध्यान से रखें, बहुत ही तेज़ है, कट ना लगे आपके हाथ को। और इसमें स्टील मत मारें, इन्होंने आपको, इसको मैं रख रहा हूँ, अपनी कंपनी का इन्होंने ब्रश दिया हुआ है। ये ब्रश से आप इसको साफ़ कीजिए, बहुत ही अच्छा ब्रश है और बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर देता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया है उन्होंने, प्लास्टिक हो गया, मोटर का हो गया, ये स्टील का हो गया, ये प्लास्टिक हो गया, ये कवर हो गए, बहुत ही अच्छा यूज़ किया हुआ। बहुत ही मैंने यूज़ किए हैं मिक्सर, मेरी मदर ने बहुत ही यूज़ किए हैं, ये वाला वो वाला उस कंपनी का, भाई सब कोई इतना काम जब नहीं निकला जितना ये है। और उनके मैंने बोला ना, नीचे रबड़ जो होती है, गेयर जो ये वाले गेयर होते हैं, उनके बहुत ही चेंज करा चुका हूँ मैं भाई सब, बहुत ही करा चुका हूँ। ये 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ इसको, कुछ नहीं हुआ, अभी तक वैसे ही चल रहे हैं। और इसके साथ ये ब्रश देते हैं, और एप्पल को पुश करने के लिए, जूस बनाने के लिए पुश करने के लिए आपको ये भी मिलता है, और एक ये गेयर मिलता है, और साथ में इसमें नट बोर्ड मिलते हैं, बोर्ड भी पेज भी हैं इसमें, ये गेयर भी देते हैं साथ में, और ये एक मिल जाता है। इसकी अभी तक सही चल रहा है, 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, वही चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ किसी को भी। और मसाले बनाते हो इसमें बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही फास्ट बनाता है, ऐसा नहीं कि अभी चलो अभी बना नहीं यार, फिर देखो 5-10 मिनट के बाद फिर देखो भाई बनानी, फिर थोड़ा सा और चाहिए टाइम, नहीं, बहुत ही फास्ट बनाता है और बहुत ही जल्दी अच्छा और बनाता है। साथ में ना जूसर सेट कर ही दूँ। ये आ गया, ये आपका मटेरियल आ गया पल्प, जो आप जूस बनाओगे जो वेस्ट उसका होगा वो यहाँ पर जाएगा। बहुत ही स्पेस है, देख सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा स्पेस दी हुई है। ये उसके लिए आ गया, यहाँ पर भी सुजाता लिखा हुआ है। और जो आ गया जूस जहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, वो फिल्टर होगा, फिल्टर लगेगा इसके ऊपर, फिल्टर हो गए, जूस इस साइड से बाहर जाएगा। और आपका उन्होंने ये भी कवर दिया हुआ है, ये कवर आप निकाल सकते हो, अच्छी तरह से धो सकते हो इसको, ये लॉक दिए हुए हैं साइड में, आप देख सकते हो ये लॉक, इसको ऐसे पुश करके नीचे कर दो सीधा, आपने जो बर्तन नीचे रखा होगा वो जूस वहीं पर गिरेगा। और इसमें सिंपल सा आपने यहाँ पर उसको फिट करना है, ये देखो लॉक बने हुए ना, ये देखा, ये वाले लॉक सीधा इसमें ऐसे फिट किया, ये मोटर की हवा जाएगी बाहर, और यहाँ पर ये फिट किया, इसमें ये आ गया फिल्टर,
फिल्टर इसमें ऐसे लगा दिया। इसको कभी भी स्टील में, स्टील के साथ मत धोना, ठीक है, बस ये ध्यान रखना ब्रश के साथ। अगर यहाँ पर लगा हुआ है जूस का मटेरियल, ठीक है ना, वो उसको ऐसे करके साफ करना आराम से। और भाई साहब ये आ गया कवर, जहाँ से हम डालेंगे अपने एप्पल, कोई भी चीज़ का जूस बना रहे हो, कैरेट का, गाजर का जूस बना रहे हो, एप्पल का जूस बना रहे हो, ठीक है ना, उसको ऐसे अब इसको पहले ऐसे लगा लिया, ऐसे हो गया फिट। और इसको ये हो गए लॉक, ठीक है जी। इसको ऐसे इधर से नीचे से ऐसे, फिर इसको ऐसे पुश करना है, ये हो गया लॉक। और उधर से भी हो गया, ये लॉक लग गए हुए यहाँ पर। ये बन गया आपका जूसर। मैंने जूस अभी निकाला है, आज ही निकाला है, उसका भी ऐड कर दूंगा। एप्पल का जूस निकाला है मैंने, वो बीच में दिखा दूंगा वीडियो, आप देख लेना। आप जब भी कोई मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर लेना है, आप यही वाला लेना। मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट है, इतने जूसर मैंने यूज किए हुए हैं और इतने आपको बता रहा हूँ कि हाँ भी। एक तो ऐसा जूसर था, वो बनाना शेक नहीं बना सका भाई साहब, बनाना शेक नहीं बना सका। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बनाना शेक नहीं बना सका। और कई चैनल में वही रिव्यू आते हैं प्रोडक्ट के जो मैं यूज़ करता हूँ, जिसका व्यू कैसा है कैसा नहीं फिर बताता हूँ। और ऐसा नहीं कि हाँ भी मैंने ऑनलाइन मंगवाया, अनबॉक्सिंग की, भाई साहब ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मैंने यूज़ भी नहीं किया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, रिव्यू देखे बहुत ही अच्छा है, ऐसे करके नहीं, हाँ भी आप भी ले लें, नहीं नहीं ये यूज़ किया है 2 साल हो गए हैं, आप देख सकते हो इसकी हालत इतना साफ़ नहीं है, ठीक है भाई साहब। ये देख लिए, यूज़ कर रहा हूँ, मिट चुका है, ये मिट चुका है, यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग मिट चुकी है। ऐसा नहीं कि मैं यूज़ नहीं करता, यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस इसको इजी भी है, बहुत ही इजी है साफ़ करना। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, इसको हम ओपन कर सकते हैं, इसको भी ओपन करके ये भी निकल जाएगा, इसको खोल सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, इसको मत खोलें, क्योंकि अगर आपसे ये टाइट ना हुआ तो लीकेज होगी, इसलिए वैसे ही आपका हाथ चला जाएगा और ईजली ये क्लीन हो जाएगा। आपको मैं दिखा ही देता हूँ आपका, ये देखो हाथ सीधा नीचे तक चला जाएगा, आराम से क्लीन हो जाएगा ये। ऐसा नहीं कि यहाँ भी क्लीन ही होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। आप इसको, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप मत खोलें, अगर आपसे टाइट ना हुआ, बंद वो ना हुआ, लॉक हुआ नीचे से ये वाला ही पोर्शन, तो लीकेज होता ही रहेगी, नुकसान होगा। मैंगो बनाना शेक पिए और अच्छे रहें, थैंक यू। इसी का भी खुल, इसका भी खुल जाता है नीचे, उसका भी, लेकिन मत खोलना, बस यही मैं कहूँगा, मत खोलना, आराम से नीचे से इसको साफ करें, अंदर से आपका हाथ डाल के साफ कर लें, आराम से ब्लेड साफ हो जाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका था। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, और आप भी कमेंट में अपना मिक्सर ग्राइंडर का जो घर में यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना, कि आप ही वो उसकी गियर रबर चेंज करने जाते हो बार बार, और कैसा कि उसको ठीक करने जाते हो। मैं भाई साहब पुराने में बहुत जाता रहा हूँ, और अगर लेना जा रहे हो ये यही लेना। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।